हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2018-19 वाले पेपर को लेकर एंटोमोलॉजी को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में कि कीट के मस्तिष्क पर उल्टे वाई आकार के सीवन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, एपिक्रेनियल स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या कहा जाता है उनको, एपिक्रेनियल स्ट्रक्चर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन की हमुलाई विंग युग्मन तंत्र डेस गण में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, आपके हाइमेनोप्टेरा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आएगा कि डिप्टेरा गण के पिछले पंख डेस में बदले होते हैं, तो हाल्टर्स में बदले होते हैं। किस में, हाल्टर्स में। क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है कि फिल्टर चैम्बर डेस गण में उपस्थित होता है। जो फिल्टर चैम्बर होता है किस में, होमोप्टेरा में पाया आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है कि कीट के मध्य व पश्च्य वक्ष संयुक्त रूप से डेस कहलाते हैं। जो कीटों के मध्य और पश्च्य वक्ष है वो संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, ट्रियोथोरेक्स कहलाते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि पेडिसल डेस एक भाग है। जो पेडिसल होता है एंटीना का भाग होता है, मैंने पहले ही बताया था स्केप पेडिसल, ठीक है। ये क्या होता है, एंटीना के भाग होते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि बाह्य पंखी कीटों में डेस कायांतरण होता है। जो बाह्य पंखी कीट होते हैं उनके अपूर्ण कायांतर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि बग का सिर प्रकार का होता है। जो बग का सिर होता है वो पहले भी बताया था मैंने, ओपिस्थोगेमस प्रकार का होता है, पश्चोन्मुखी होता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन बात करें, आगे क्वेश्चन है कि इमस रिचर्ड और डेविस के अनुसार कीटों के कुल डेस गण हैं। जो कीटों के कुल जो गण हैं वो कितने हैं, आपके 29 है। किसके अनुसार, इमस और रिचर्ड्स और डेविस के अनुसार, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन की बात करें, आगे इफोफेगस डेस तंत्र का भाग है। जो इफोफेगस है वो किसका भाग होता है, पाचन तंत्र का भाग होता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है कि संधिपाद वर्ग, ठीक है, संधिपाद वर्ग होता है का उनके उदाहरण कॉलम ए और कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान करना है, मिलान करने में जो सही निकलेगा वो कौन सा है, आपके ये वाला निकलेगा, ठीक है। फर्स्ट जो है आपके आंसर होगा इसमें। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गण कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण गण है वो कौन सा होता है, स्ट्रेप्टिना, ठीक है, ऑर्थोप्टेरा, एम्बियोप्टेरा। तो इसमें जो है सभी जो गण है वो कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि हेमी एलेट्रा अग्रपंख किस में पाया जाता है। जो हेमी एलेट्रा अग्रपंख है किस में पाया जाता है, वो भृंग में पाया जाते हैं, या बिटल्स जिन्हें कहा जाता है उनमें पाया जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, कीट का शरीर भाग है कितने खंडों में बटा होता है, तो 20 खंडों में लगभग बटा होता है। कीट का शरीर लगभग 20 खंडों में बटा होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा टेरिकोटा है। जो टेरिकोटा होता है वो किस में पाया जाता है, ट्राइकोप्टेरा में पाया जाता है, ठीक है, की विशेषता एक। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि हाइमेनोप्टेरा गण का सामान्य उदाहरण है। जो हाइमेनोप्टेरा जो गण है तो उसका सामान्य उदाहरण क्या होता है, चींटी। इसमें चींटियां आती हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि वही मिलान वाला क्वेश्चन है कि कीटों में गणों में ए का उदाहरण कॉलम बी के साथ मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें मिलान करने के बाद जो आप देखोगे तो वो फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन है वो आपके सही होगा। जो फर्स्ट में सी सही है, ठीक है, फर्स्ट में क्या आपके सी है, फर्स्ट में क्या है सी है, ठीक है। बात करें सेकंड में तो सेकंड में क्या सी है, आपके डी सही है। थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या है, ए सही है, ठीक है, ए सही है आपके। और फोर्थ में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि फोरेजियल पश्च्य प्रकार की टांगे होती है, तो वो किस में होती है, श्रमिक मधुमक्खी में पाई जाती है, ठीक है। किस में पाई जाती है, श्रमिक मधुमक्खी में पाई जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि रेमिजियम किससे संबंधित होता है। जो रेमिजियम होता है वो पंख से संबंधित होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे वही क्वेश्चन है कि फर्स्ट कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, ठीक है। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है जो आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट में सी, सेकंड में डी, थर्ड में ए और फोर्थ में बी हो जाएगा, ठीक है। आगे आपके ट्रू फॉल्स है वो पूछे नहीं जाते। थ्योरेटिकल पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि इग्डाइसिस किसे कहा जाता है, इग्डाइसिस किसे कहा जाता है उसके बारे में बताना है। टेगमोसिस किसे कहा जाता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि सिस्टेमेटिक्स किसे कहा जाता है उसके बारे में आपको परिभाषा बतानी है, ठीक है।
आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि कायांतरण किसे कहा जाता है, कायांतरण के बारे में आपको बताना है। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन के बारे में आपको बताना है। पाइजीडियम क्या होता है, पाइजीडियम के बारे में बताना है। कीट क्या होता है, कीट की परिभाषा आपको हर बार पूछी जाती है लगभग। आगे क्वेश्चन की बात करें, अल्फा टॉक्सोनोमी किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जॉनसन ऑर्गन क्या है उसके बारे में बताना है। ठीक है, जॉनसन ऑर्गन क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि टेरोथोरेक्स क्या होता है, उसके बारे में आपको परिभाषा बतानी है। हाइपोगेनेथस क्या होता है, हाइपोगेनेथस उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, हाइपोगेनेथस की बात करें, हाइपोगेनेथस क्या होता है, अधोन्मुखी जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अधोन्मुखी जिसे कहा जाता है। अधोन्मुखी क्या होता है, अधोन्मुखी में नीचे की तरफ जो है मुँह लटका रहता है। ठीक है, जो मुखांग होता है वो किसकी तरफ होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, वर्टिकल सेंसर में होता है। तो ये किसका उदाहरण होता है, ये आपके टिड्डे का उदाहरण होता है, मुख्यतः टिड्डे में पाए जाते हैं इस प्रकार के मुखांग, हाइपोगेनेथस। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि टेम्पेनम क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। टेंटोरियम क्या होता है उसके बारे में आपको परिभाषा बतानी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि शीर्ष विन्यासों के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताना है। जो शीर्ष विन्यास नहीं, इसमें शिर विन्यास के बारे में, विभिन्न प्रकारों के बारे में बताना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि कीट के पंख का नामांकित चित्र बनाना है, कीटों के पंखों का नामांकित चित्र बनाना है। साधारणतः कीट के सिर की बाह्य आकृति का चित्र बनाइए। ठीक है, यानी कीट के शरीर की बाह्य आकृति कैसी होती है उसके बारे में बताना है। विभिन्न संरचनाओं को उदाहरण के साथ वर्णन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर कहूँ का उदाहरण के साथ क्या करना है, वर्णन करना है। आगे क्वेश्चन है कि इंस्टार एरोलियम मोल्टिंग और स्टेडियम को परिभाषित करना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि पंख विहीन एवं पंख युक्त में क्या अंतर होता है उसके बारे में बताना है। लार्वा और पीपा के प्रकारों के बारे में आपको बताना है कि लार्वा और पीपा के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं। पंख संयोजन तंत्र क्या होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन दे रखा है आपके बड़े क्वेश्चनों में, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कीट की प्रभाविता के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि कृषि में महत्व कीट के गणों के नाम लिखनी है। कृषि में महत्व के जो कीट है उनके बारे में बताना है। हेमिप्टेरा गण के लक्षण बताते हुए महत्वपूर्ण कुलों के उदाहरण सहित क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि कीट अध्यावरण किस प्रकार की बनती है, इसके कार्यों को सूचीबद्ध करना है। जो कीट का अध्यावरण है किस प्रकार का बना होता है उसके कार्यों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यही था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू।